मेरे साथ मौजूद हैं उनके पापा, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि आज आप नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, क्या आशीर्वाद दिया आपने, क्या कहा उन्होंने आज आपके सुबह? हमारी घर से निकलने से पहले हमारे दोनों के पैर छुए, आशीर्वाद लिया है, इसकी मदद ने उसको तिलक किया है और बोले हमको जल्दी जाना, मैंने कहा आप चलो हम आ रहे हैं और उसके पीछे से हम आ गए। आपको तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों का इतना करते कर्म हो रहा है, भगवान का आशीर्वाद बस रहा है, चल रहा है, अच्छा लग रहा है। एक तरफ चल रही है बीजेपी कांग्रेस की राजनीति की जो अपने तरफ से पारंपरिक तरीके से चल रही है, उसके बारे में तो कहा ही जाए, एक तरफ अरविंद है कि अपनी धुन में चल रहे हैं, उनको अपना मुद्दे लेके चल रहे हैं, क्या लग रहा है दिल्ली की जनता आखिर साथ दे तो क्यों? ये कह रहे हैं भाई ये पब्लिक का लड़ाई है, पब्लिक का चुनाव है, ये उन आपका नॉमिनेट, आप नॉमिनेट कर रहे हैं उसको तो इसलिए वो भर रहे हैं फॉर्म, अदरवाइज जीत और हार आपके हाथ की है। अच्छा, अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल ने अपनी लड़ाई शुरू की लेकिन आज वही साथ नहीं है, क्या कहेंगे? वो आए थे जब अरविंद ने अनशन रखा था तो वो आए थे, उन्होंने ये कहा भी दोनों का मकसद एक ही है, भ्रष्टाचार खत्म, राजनीति के खिलाफ है, हम राजनीति के जो कहता है वो कीचड़ है, कीचड़ में फंसना नहीं चाहते हैं, हम साफ सुथरा रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे सरमा किसी दिन का भी सड़कों पे जो कानून नहीं बनते अगर साथ होते तो अच्छा लगता है, नहीं साथ होते हैं तो ये तो कल्पना है ना, जब उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं नहीं जाता तो साथ होने का कोई मतलब नहीं है। बहुत शुक्रिया अंकल जी। तो कुल मिलाकर उनके पिता बता रहे हैं कि अगर अन्ना हजारे ने पहले ही साफ कर दिया था कि राजनीति क्योंकि कीचड़ है मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर वो होते तो अच्छा था, लेकिन कुल मिलाकर अब नहीं है तो अपनी लड़ाई वो इसी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़ दिल्ली।